गाइस बिगिन माय नेबड़ो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले कि वीवो Y200 प्रो फोन में आप जो गाइस कोड रिकॉर्डिंग करते हैं, कोड रिकॉर्डिंग कौन से फाइल में कौन से फोल्डर में सेव होता है। अगर आपको नहीं पता, जैसे मैं अपने फोन में आपको सेटिंग करके बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप भी सेटिंग कर लेंगे बिल्कुल आप भी अपने फोन में कोड रिकॉर्डिंग सेव फाइल को निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको पहले करना है कि अपने फोन में देखिए फाइल मैनेजर को गाइस ओपन कर लेना है। ठीक है, फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, मेन स्टोरेज पर गाइस क्लिक कर लेना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे। एक आपको रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, रिकॉर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमने ऑलरेडी गाइस कॉल रिकॉर्डिंग किया बट यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फोन में फाइल मैनेजर में सेव नहीं हुआ है, इन पर्टी फोल्डर का ऑप्शन गाइस आ रहा है। ठीक है, तो कॉल रिकॉर्डिंग गाइस सेव कहाँ पर होता है, यहाँ से देखिए बैक आना, डायलर को देखिए ओपन गाइस कर लेना है। आपने जिस नंबर पर कॉल करके फिर जिस नंबर की कॉल आपने रिसीव करके और रिकॉर्डिंग गाइस की है उसी नंबर पर सिंगल बार ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक जब गाइस करेंगे रिकॉर्डेड का जो ऑप्शन है और यहाँ से देखिए जो रिकॉर्डिंग है यहाँ से हम इसको प्ले करके सुन सकते हैं। और इस रिकॉर्डिंग को अगर किसी के पास शेयर करना, इस शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इस पर जब क्लिक कर देंगे आप अगर किसी के पास शेयर भी करना चाहेंगे बिल्कुल इसको आप शेयर भी कर सकती हैं। तो आप जो अपने फ़ोन में गाइस कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपके फ़ोन का डायलर में सेव होती है, आप डायलर से कॉल रिकॉर्डिंग फाइल को सुन सकते हैं और इसको बिल्कुल आप यहीं से शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फ्रेक न्यू वीडियो के साथ।